जंगल राज हाईकोर्ट ने कहा था उसे मुक्ति दिलाने में सुशील मोदी की बड़ी भूमिका रही है। बिहार के लिए संकट मोचक रहे हैं और आज भी बिहार में वो संकट मोचक माने जाएंगे। गलत को गलत कहने पर अगर कोई निशाने पर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं निखिल। देखिए, सुशील कुमार मोदी जो है उनका 5 जनवरी को जन्मदिन है, इस पर भाजपा कार्यालय के बाहर जो है एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि भाजपा के संकट मोचन जो है सुशील कुमार मोदी के उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी गई है। वहीं तमाम जो बता जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी लगातार नीतीश कुमार को घेरते नज़र आते हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव हो या तमाम विपक्षी को जिस तरीके से अपनी बोली से तमाम जो विपक्ष है उसको घेरते हैं, वहीं अब राज्यसभा सांसद हैं उनको राज्यसभा भेज दिया गया बीजेपी की तरफ से। बड़ा चेहरा जो है बिहार का भाजपा के बड़ा चेहरा जो है उसके रूप में देखा जाता है, वही तमाम जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से अब बिहार में भाजपा का जो गठजोड़ है और सुशील कुमार मोदी का जो बड़ा चेहरा जो है भाजपा के लिए वो एक बड़ा संकेत है। वहीं तमाम भाजपा के नेता जो हैं उनको 5 जनवरी को उनका जन्मदिन है इसको लेकर बधाइयां दे रहे हैं और बिहार प्रदेश के संकट मोचन जो हैं वो बताया गया है। बिहार भाजपा के कहीं ना कहीं संकट मोचन भी उनको कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो अब बिहार के भाजपा की कमान लगातार संभाले हुए हैं, लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा फायदा पहुंचा रहे हैं। वहीं लगातार जो है कटघरे में नीतीश कुमार के निशाने पे भी सुशील कुमार मोदी रहते हैं और इस तरह के बीजेपी को लगातार जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर सुशील कुमार मोदी से पहुंच रहा है। सुशील कुमार मोदी का कार्यकाल बीजेपी के साथ काफ़ी लंबा रहा है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों पर जिस तरीके सुशील कुमार मोदी का कार्यकाल रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सुशील कुमार मोदी का जन्मदिन है, उनको बिहार प्रदेश का संकट मोचन हनुमान बताया गया है। जन्मदिन कल है उनका। बिहार में जो विकास हुआ है, विकास की कड़ी के एक महत्वपूर्ण अंग हैं सुशील मोदी। बिहार में विकास, अगर विकास की बात होगी तो सुशील मोदी के बिना विकास की बात नहीं हो सकती है। वो बिहार के लिए संकट मोचक रहे हैं, स्वाभाविक है। जिस प्रकार से बिहार में 15 वर्षों तक लगातार जंगल रहा था, तांडव मचता था, उससे मुक्ति दिलाने में सुशील मोदी की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए बिहार के संकट मोचक अगर किसी ने लगाया है तो वास्तव में उस समय जो आतंक था, जंगल राज हाईकोर्ट ने कहा था उससे मुक्ति दिलाने में सुशील मोदी की बड़ी भूमिका रही है। सुशील मोदी जी बिहार बीजेपी नहीं, देश के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। नीतीश कुमार के निशाने पे भी रहते हैं हमेशा। अब देखिए, वो गलत को गलत कहने पर अगर कोई निशाने पर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुशील मोदी जी विवाद टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। सुशील मोदी जी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और आज भी उठाते रहते हैं। वो विवाद टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। बिहार के लिए संकट मोचक रहे हैं और आज भी बिहार में वो संकट मोचक माने जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और किस तरीके से कहा है कि 15 साल जो जंगल राज रहा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार वो हमेशा अपने निशाने पर रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सुशील कुमार मोदी बेबाक बातों से जाने जाते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।